हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं दोस्तों आपको मारुति सुजुकी की जो न्यू ग्रैंड विटारा के अलाइव व्हील्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कार है मारुति सुजुकी की ब्रांड जो न्यू ग्रैंड विटारा है, और ये जो काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं लग्जरियस के साथ में ये स्टाइलिश भी लग रही है। और ये मारुति सुजुकी ने जो कि ऐसी डिज़ाइन वाली पहली कार बनाई है। तो ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा सिग्मा है, जिसमें कि नॉर्मल अभी डिस्क लगा हुआ था। तो अभी ये डिस्क जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिप्लेस करवा के अलाइव व्हील्स लगवाने वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके व्हील्स है ये ओपन किए गए हैं, अभी यहाँ पर अलाइव व्हील रिप्लेस होने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ब्रेक वगैरह का यूनिट है इसी के साथ में। कुछ इनके जो अगर इंजन की बात किया जाए या फिर कार के आउटसाइड बॉडी की, तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ लुक वाइज काफ़ी अट्रेक्टिव लग रहा है। जहाँ पर ये DRLs है, यहाँ पर हेड लैम्प्स है। तो मारुति सुजुकी ने अभी जो पहली जो है काफ़ी इस तरह से ये चेंजेस की है कि हेड लैम्प को नीचे और DRLs को और जो हजार्ड लाइट है उसको ऊपर दिया है। तो यहाँ पर अलाइव व्हील्स फिट हो जाने के बाद में हम फिर से आपको एक वीडियो दिखाने वाले। आपके पास भी बेस मॉडल की कार है तो इनका जो टायर्स है कुछ इस तरह से होंगे, और इनको जो है रिप्लेस अगर कराएंगे तो इसका जो अलाइव व्हील्स आता है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से अलाइव व्हील्स आता है, जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव अलाइव व्हील्स दिया हुआ है। ये अलाइव व्हील्स जो है ग्रैंड विटारा के लिए दिया है, जिसकी बेस मॉडल कार है, क्योंकि टॉप मॉडल पर ऑलरेडी अलाइव व्हील्स लग के आई हुई होती है। तो देख सकते हैं कम्प्लीट ये लगने के बाद में हम इसका एक कम्प्लीट जो डिटेल्स आपको और दिखाने वाली है गाड़ी के अलाइव व्हील्स लगने के बाद में कार जो है कैसी दिख रही है, जो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा है। ये काफ़ी वैसे लुक वाइज तो आउटर बॉडी काफ़ी इनका अट्रैक्ट कर रहा है गाइस। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं अलाइव व्हील जो है यहाँ पर लग रही है, और ये टायर जो है नॉर्मल डिस्क के जगह भी यहाँ फाइनली अलाइव व्हील फिट हो जा रहा है। तो देख सकते हैं अलाइव व्हील फिट होने के बाद में यहाँ पर लुक जो है काफ़ी हद तक के बढ़ गया है, और कार का जो लुक है बेस मॉडल से टॉप मॉडल जैसा लगने लगता है। तो चलिए कार के पास अब चलते हैं और वहाँ अलाइव व्हील लगने के बाद कैसा दिख रहा है ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टायर्स में अलाइव व्हील्स लग गए हैं, और अलाइव व्हील्स लगने के बाद में गाड़ी जो है कुछ इस तरह से लुक इनका और इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर ये हाई राइडर जो कि टोयोटा की हाई राइडर है उसको टक्कर दे रही है ग्रैंड विटारा, और ये जो है लुक वाइज देख सकते हैं यहाँ पर इनका अलॉय व्हील्स काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। तो अगर आपके पास भी बेस मॉडल अगर आप परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, अपने सिग्मा मॉडल को अल्फा जैसा डिज़ाइन दे सकते हैं आउटसाइड से। तो गाइस फाइनली इस कार पे जो है अलाइव व्हील्स लग चुके हैं, और इनका जो लुक है वो काफ़ी हद तक एक्सेस हो चुका है। यहाँ पर लुक जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है दोस्तों, और अलाइव व्हील्स एक अलग ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड दे रही है इस कार को। और यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो फ्रंट और रियर से अगर देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन जो है अलाइव व्हील्स के साथ में ये काफ़ी ही यहाँ पर अट्रेक्टिव लग रहा है। और ये देखने से किसी को भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कार है ये एक सिग्मा जो बेस मॉडल कार होगी, क्योंकि अलाइव व्हील्स लगने के बाद में ये जो है एक टॉप मॉडल कार में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा ये आउटसाइड से यहाँ पर जो है चेंजेस आ जाती है कार पे। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करना ना भूलिए।